हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इनोवेशन। आज है 25 जुलाई 2019 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। आज का पहला एडिटोरियल है पॉपुलेशन कंट्रोल पे हैविंग द लास्ट वर्ड ऑन पॉपुलेशन। यहाँ पर राइटर के द्वारा ये बातें की जा रही हैं कि सिटीजन्स को चॉइसेस और सर्विसेज देना एक राइट तरीका है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, बजाय इसके कि स्टेट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करे स्ट्रिक्ट मेथड के थ्रू। तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था और उस दिन एक यूनियन मिनिस्टर के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया कि अगर किसी पेरेंट्स के 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनका वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। और उसके बाद एक बिजनेस टर्न्ड योगा गुरु के द्वारा भी ऐसा बोला गया कि गवर्नमेंट को ऐसा लॉ लाना चाहिए कि अगर तीसरा बच्चा होता है तो ऐसे पेरेंट्स का वोटिंग राइट एंड कर देना चाहिए। तो इन दोनों बयान जो आए थे स्टेटमेंट, इनके अगेंस्ट राइटर के द्वारा बोला जा रहा है कि ऐसा ड्रास्टिक स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा नहीं उठाना चाहिए, बिकॉज अभी जो इकोनॉमिक सर्वे रिसेंटली आया है 2019-20 उसमें डिफरेंट ट्रेंड देखने को मिला है। उसके अकॉर्डिंग 2030 में आगे चलकर करीब 2 डिकेड्स तक पॉपुलेशन का स्लो डाउन बताया गया है, पॉपुलेशन का स्लो डाउन होने वाला है। और कुछ स्टेट्स का ऐसा मानना है राइटर का कि कुछ स्टेट में अब पॉपुलेशन एजिंग होने वाली है। तो ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फेज है इसमें इतना स्ट्रिक्ट उठाया कोई लॉ अगर गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाएगा पॉपुलेशन कंट्रोल करने का तो वो करेक्ट तरीका नहीं होगा, और इसको इकोनॉमिक सर्वे ने भी यही बोला है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि नॉर्मल जो थिंकिंग होती है लोगों की वो किस तरह होती है, परसेप्शन ये बनता है सोसाइटी में कि अगर बड़ी पॉपुलेशन है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है और इसके जितने ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही कम रिसोर्सेज यूज़ किए जा सकेंगे लोगों के द्वारा। और इस परसेप्शन के कारण क्या दिक्कत होता है, राइटर के अकॉर्डिंग ये दिक्कत होता है कि इस पूरे पॉपुलेशन कंट्रोल करने का जो भी मेजर है उसका बर्डन जो है केवल गरीबों और मार्जिनलाइज पॉपुलेशन को फेस करना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ता है अलग अलग टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्लूडिंग रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, और इसका सारा खामियाजा माइनॉरिटी सेक्शन को ही भुगतना पड़ता है। तो इसलिए जो भी ये जो परसेप्शन है ये एक्चुअल में तो सारी पॉपुलेशन सारे सेक्शंस पे लागू होना चाहिए, बट देखने में ऐसा आया है कि जो अगलीस्ट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है और जो फिजिकल अटैक्स हैं सोशल प्रेजुडिस हैं वो पॉपुलेशन का जो बर्डन है वो झेलना पड़ता है केवल गरीब और पुअर पॉपुलेशन को ही। तो यहाँ पर राइटर के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो पॉलिसी ऑफ चॉइस है वो गवर्नमेंट की हिस्टोरिकल पॉलिसी रही है पॉपुलेशन कंट्रोल में। और अगर हम बात करें 2000 में जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के टाइम, उसमें भी इसी तरह की बात की गई थी, उसमें भी लोगों को चॉइसेस दी गई थी, वहाँ पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने की बात नहीं की गई थी। अब वो क्या थी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के अकॉर्डिंग वॉलंटरी और इन्फॉर्म चॉइसेस दी गई थी लोगों को, लोगों के कंसेंट के अकॉर्डिंग जिस तरह की वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, एक टारगेट फ्री अप्रोच रखी गई थी और उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के द्वारा फैमिली प्लानिंग सर्विसेज दी जाती थी लोगों को। और यही स्टैंड बाद की सरकारों का भी रहा है, इवन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका भी स्टैंड यही रहा है एंड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी गवर्नमेंट ने यही एक्सेप्ट किया है। अकॉर्डिंग टू वन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इंडिया में टारगेट फ्री हैं और वॉलेंट्री हैं, और इसमें कोई भी प्रेरोगेटिव जो भी क्लाइंट्स का है, जो भी सिटीजन्स हैं उनका उनकी जो चॉइसेस हैं वो चूज़ कर सकते हैं फैमिली प्लान, जो भी फैमिली प्लानिंग मेथड वो अडॉप्ट करना चाहें जो उनको सूट करते हों और जो उनके लिए उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स के हक में हों वो चूज़ कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑप्शन थोपा नहीं जाएगा सिटीजन्स पे, ऐसी गवर्नमेंट की फैमिली प्लानिंग पॉलिसी है। अब यहाँ पर एक लाइफ साइकिल फ्रेमवर्क की भी बात की जा रही है हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। लाइफ साइकिल फ्रेमवर्क क्या हो गया, इसका मतलब है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन नीड्स केवल मदर की ही नहीं देखी जाएंगी, ये मदर के साथ साथ चाइल्ड की भी देखी जाएंगी और केवल प्रेगनेंसी के टाइम ही नहीं देखी जाएंगी, सिंस कंसेप्शन से लेके जब तक चाइल्ड की डिलीवरी होती है, चाइल्ड बड़ा होता है एडल्ट बनता है और उसके आगे के जीवन में भी जो भी न्यूट्रिशनल नीड है हेल्थ नीड है उनको देखा और समझा जाएगा। तो केवल एक लिमिटेड माइंडसेट या नैरो माइंडसेट को ना अपनाते हुए एक बड़े लाइफ साइकिल फ्रेमवर्क की बात की गई है हमारी नेशनल फैमिली प्लानिंग पॉलिसी में, और उसी के अकॉर्डिंगली अभी तक चला गया है कंट्री में।
यहाँ पर अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें तो हमारा डेमोग्राफिक पॉपुलेशन हाई होने की वजह से डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए बहुत हाई है और इसको ज़रूरत है कि हम ग्रोथ और ड्राइव अपॉर्चुनिटी बढ़ाने में इसका यूज़ करें ताकि और पॉपुलेशन को हेल्दी बनाने में फोकस हो। पॉपुलेशन को किस तरह से हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल कराया जाए जिसकी वजह से अगर पॉपुलेशन हेल्दी होगी तो ये इंडिया के लिए यह बड़ी पॉपुलेशन एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में काम आएगी और देश की कंट्री की इकोनॉमी को बहुत बड़े लेवल पर कंट्रीब्यूट कर सकती है। अब यहाँ पर कुछ कनेक्शन क्रिटिकल और क्रूशियल कनेक्शंस की बात की गई है राइटर के द्वारा। राइटर क्या कहते हैं कि फैमिली हेल्थ, चाइल्ड सर्वाइवल और नेचर ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ये डिपेंड करता है फैमिली में पेरेंट्स की हेल्थ और एजुकेशन लेवल क्या है। मतलब मोर पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो ये वुमेन या मदर के हेल्थ और एजुकेशन पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा पुअर कपल्स होंगे उनमें नंबर ऑफ चिल्ड्रेन उतने ही ज़्यादा होते हैं बिकॉज पुअर टेंड टू हैव मोर चिल्ड्रेन। जितने गरीब फैमिलीज होती हैं उनमें ज़्यादा बच्चे होते हैं, वो किस लिए? क्योंकि उनका नॉर्मल हेल्थ स्टेटस अच्छा नहीं होता है, चाइल्ड सर्वाइवल बहुत कम होता है, बहुत कम बच्चे ही जीवित बचते हैं। इसलिए पेरेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाएं और उनमें से कम कुछ बच्चे तो उनको सपोर्ट करने के लिए जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे। तो इसलिए चाइल्ड सर्वाइवल रेट हेल्थ फैसिलिटीज़ कम होने की वजह से बहुत लो होता है, इसलिए ज़्यादा चिल्ड्रन प्रेफर करते हैं पुअर पेरेंट्स। इसके अलावा जो सन प्रेफरेंस होता है इंडियन सोसाइटी में, सन या बेटे की चाहत जो है बहुत ज़्यादा हाई है, इसकी वजह से भी बच्चे ज़्यादा पैदा किए जाते हैं जब तक बेटा नहीं मिल जाता पेरेंट्स को। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है या फैमिली में जो बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो चिल्ड्रेन टेंड टू बी अ हेल्पिंग हैंड। पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि चिल्ड्रेन उनका एक तरह से हेल्पिंग हैंड रहेंगे, उनके डे टू डे काम में या एग्रीकल्चर के काम में या जो भी काम है उनमें हेल्प करेंगे। इसकी वजह से उन्हें बाहर से कोई लेबर हायर नहीं करनी पड़ेगी और उनका कुछ ना कुछ इकोनॉमिक सेविंग होगी। तो एक तरह से हेल्पिंग हैंड के रूप में और ओल्ड एज में एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी के तरह बच्चों को देखा जाता है पेरेंट्स के द्वारा। तो ये भी कुछ रीज़न है जिसके कारण पुअर हाउस होल्ड ये समझते हैं कि उनकी नॉर्मल परसेप्शन ऐसा है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उनके लिए उतना ही बेनिफिट होगा और उनके नॉर्मल लाइफ स्टाइल में, नॉर्मल लाइफ में वो हेल्पिंग हैंड का काम करेंगे और बुढ़ापे में उनके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में काम करेंगे। इसलिए वो नॉर्मली ज़्यादा बच्चे होते हैं रूरल हाउस होल्ड में। तो ये जो इमोशनल नीड है फैमिली की उसको एक्चुअल में पॉलिसी को समझना होगा और उस नीड को किस तरह से गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज से फुलफिल किया जाए, देन ओनली वी कैन कंट्रोल पॉपुलेशन बेस्ड ऑन चॉइसेस। अब यहाँ पर नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के अकॉर्डिंग वुमेन जो भी लोवेस्ट 25% की बात करें, पुअर पॉपुलेशन में लोवेस्ट 25% में अगर हम बात करें तो उनका जो एवरेज था वो 1.6 मोर चिल्ड्रेन देन वुमेन इन हाइएस्ट वेल्थ क्वांटाइल। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की बात करें जो कि 15-16 के लिए लिया गया था तो इसमें लोवेस्ट 25% वुमेन जो पुअर फैमिलीज हैं, लोवेस्ट पुअरेस्ट ऑफ द पुअर 25% फैमिली और वेल्थीएस्ट 25% फैमिली में कंपेयर करें तो लोवेस्ट फैमिलीज में जो चाइल्ड रेट है वो करीब दो गुना ज़्यादा है, करीब डेढ़ से दो गुना ज़्यादा है पुअर फैमिली में रिच फैमिली से। अब यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पर वुमेन डिक्लाइंस विथ वुमेन्स लेवल ऑफ स्कूलिंग। राइटर का ऐसा भी मानना है कि जितनी ज़्यादा वुमेन की या लड़की की अगर जितनी ज़्यादा स्कूलिंग होगी, जितना ज़्यादा एजुकेशन होगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन उसके उतने ही कम रहते हैं। जितना ज़्यादा हेल्थ स्टेटस होगा उतना ही कम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन होंगे, डेटा के अकॉर्डिंग भी ऐसा कहा जा सकता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जा सकता है कि हेल्थ, एजुकेशन और इनइक्वलिटी एंड दोज हैविंग लिटिल एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन बीइंग कॉट इन ए साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अगर जिन परिवारों में गरीबी है, हेल्थ स्टेटस बहुत डाउन है, एजुकेशन बहुत कम है और इनइक्वलिटी की वजह से उनकी जो एक्सेस है हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज में अगर बहुत कम है तो वो एक कंटिन्यूस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में ही फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा चिल्ड्रेन हो उनके और उन पे उनके जो बर्डन है वो उनका बर्डन बच्चों के द्वारा कम किया जा सके। तो ऐसे में स्टेट को क्या चाहिए? स्टेट को चाहिए कि जो भी इतने वीक परिवार हैं, जो पुअर हैं, उनको एडिशनल सर्विसेज एक्स्ट्रा दी जा सके जिससे वो बाकी सर्विसेज के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए और एजुकेशन के लिए दूसरों पे डिपेंड ना हो और उनका हेल्थ और एजुकेशन स्टेटस इम्प्रूव किया जा सके।
अगर अगर ऐसे केस में, ऐसे सिनेरियो में स्टेट कंट्रोल किया जाएगा नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पे, तो ये उन परिवारों पे, या जो मेजोरिटी ऑफ फैमिलीज हैं इंडिया में वो पुअर हैं, और उन परिवारों पे सबसे ज़्यादा बर्डन पड़ने वाला है। अब यहाँ पर पूरी जो इंडिया की पॉलिसी रही है फैमिली हेल्थ केयर की, उसमें कंट्रोल वर्ड को फोकस कभी नहीं दिया गया था, और कंट्रोल वर्ड को का जब भी यूज़ हुआ है इवन पॉलिसी स्टेटमेंट्स में, तो बहुत केयरफुल्ली यूज़ किया गया है। इंडिया हैज़ लुक्ड एट पॉपुलेशन सो दैट इट ट्रूली बिकम्स थ्राइविंग रिसोर्स। इंडिया में हमेशा पॉपुलेशन को उस तरह से देखा गया कि वो रिसोर्स की तरह यूज़ कर सके, उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड निकाला जा सके पॉपुलेशन से, बिकॉज ये हमारी बढ़ती हुई इकॉनमी के लिए एक एसेट साबित हो सकता है। और अगर इसको कंट्रोल किया गया तो ये जो भी अभी तक की गवर्नमेंट्स के द्वारा जो भी अच्छे काम किए गए हैं, जो भी गुड वर्क है, उनको ख़त्म कर देगा, और वीकर और पुअर फैमिलीज पे सारा बर्डन डाल दिया जाएगा। अगर हम बात करें 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की, तो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स और सदर्न स्टेट जितने भी हैं, उनकी फर्टिलिटी जो रेट है रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से भी कम जा रहा है, यानी कि हमारी एक्चुअल जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने वाली है। तो हमने पहले भी कुछ दिनों पहले आर्टिकल में पढ़ा था कि जिनकी पॉपुलेशन कम होने वाली है, जो एजिंग फेज में जाने वाले हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए आप ग्रोइंग पॉपुलेशन वाले स्टेट काम देंगे। तो इसीलिए एक तरह से सपोर्ट की ज़रूरत है यहाँ पर, ना कि कंट्रोल की, और सपोर्ट ही काम करने वाला है। किसी तरह का स्टेट कंट्रोल यहाँ पर बेनिफिशियल नहीं होगा जनता के लिए। अब यहाँ पर पास्ट में कुछ गलतियाँ की गई थी गवर्नमेंट्स के द्वारा, जैसे हम बात करें इमरजेंसी के दौरान जो फोर्स स्टेरिलाइजेशन किया गया, उसका जो एक तरह से भूत है वो इंडियन पॉपुलेशन पॉलिसी में आज भी देखने को मिलता है। उसी माइंडसेट के लीडर्स के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए स्ट्रिक्टली और फोर्स्ड, बट इंडिया का जो पॉपुलेशन पॉलिसी और जिस थॉट के साथ पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई थी, वो उस माइंडसेट को कभी भी सपोर्ट नहीं करता, और एक लिबरल और चॉइस बेस्ड पॉपुलेशन पॉलिसी इंडिया में अपनाई गई है और अपनाई जानी चाहिए। गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि वुमेन और चिल्ड्रेन जो मेन फोकस रख के दिए गए हैं, पॉपुलेशन डिज़ाइन की गई है, पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई है, उसमें मेन का रोल भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जो इमरजेंसी के टाइम मेन को एक तरह से पॉपुलेशन पॉलिसी से आउट ऑफ स्टेटस कर दिया गया था, वो आज तक भी मैन को इंक्लूड नहीं किया गया है फर्टिलिटी या पॉपुलेशन कंट्रोल में। तो मैन को भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है, बिकॉज मैन वुमेन और चिल्ड्रन से ही फैमिली बन रही है, और तीनों पे इक्वल फोकस देने की ज़रूरत है बेस्ड ऑन चॉइसेस एंड बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड बेसिक मिनिमम गवर्नमेंट सर्विसेज। देन ओनली जो पास्ट की इमरजेंसी के दौरान मिस्टेक की गई थी वो करेक्ट की जा सकती हैं, और अभी की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो पुरानी मिस्टेक्स से सीखे और उस मिस्टेक्स को रिपीट ना करे, और इंडिया की जो पॉलिसी है उन पॉलिसीज पे फोकस करके उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कराया जाए, और उन इस चॉइस बेस्ड पॉलिसी को ही आगे प्रमोट करना चाहिए। और ऐसे लीडर्स को भी चाहिए जो ऐसे बयान देते हैं, ये भी समझना चाहिए पड़ेगा गवर्नमेंट को भी, ये जो बयान है वो उनके कुछ प्रेजुडिसेस की वजह से हैं। उनको ये समझना चाहिए कि पॉपुलेशन पॉलिसी को जो भी ड्राफ्ट या बनाया गया है वो काफ़ी फैक्टर्स को इंक्लूड करके बनाया गया है, केवल एक या दो फैक्टर्स को देख के पॉपुलेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना या नई पॉपुलेशन पॉलिसी बनाना, ये किसी भी तरह किसी भी स्टेक होल्डर्स के लिए, किसी भी कंट्री के लिए ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल को किस तरह से हमें चॉइसेस और सर्विसेज बेस्ड बनाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस लोगों को देना चाहिए, लोगों को अवेयर कराना चाहिए, और गवर्नमेंट सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और हेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए जिन पॉपुलेशन को इसकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। इस पर गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए, ना कि स्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रोल का, ऐसा बताया गया है राइटर के द्वारा। यहाँ पर नेक्स्ट जो आर्टिकल है, शिफ्टिंग स्ट्रेटेजिक कंसर्न, यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में, और यूएस और चाइना किस तरह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बिजी हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर रिसेंटली हमने कल भी जैसे बात की थी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि इंडिया वॉन्ट्स हिम टू बी ए मीडिएटर इन कश्मीर इशू, तो ऐसा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया है। और एक तरह से इन सारे डेवलपमेंट्स के बाद ये देखने को आ रहा है कि एक स्ट्रक्चर ट्रेंड चेंज हुआ है साउथ एशिया में, और पिछले पास टाइम में कि जो मेजर पावर्स हैं उनका इंटरेस्ट, अपने अपने इंटरेस्ट साउथ एशिया में इंक्रीज़ हो रहा है, और वो केवल अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर इंडिया के लिए ये ज़रूरी है कि वो समझे कि किस तरह से यूएस की बात करें हम या चाइना की बात करें,
वो पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट पूरा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं और इंडिया को उसी के अकॉर्डिंगली आगे कदम उठाना चाहिए। यहाँ पे कुछ परस्यूड एडवांटेजेस हैं। अब अगर हम यहाँ पर पिछले 5 सालों का लेखा जोखा देखा, इवेल्युएट करें पिछले 5 सालों को, तो ये समझ में आता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों खुद को एक एडवांटेज स्टेटस में देखते हैं। इंडिया भी समझता है कि उसके पास काफ़ी एडवांटेज है एज ऑफ नाउ, और पाकिस्तान भी समझ रहा है कि उसके पास भी एक एडवांटेज पोजीशन है एज ऑफ नाउ। अभी इसमें अलग अलग क्या है, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में जो इलेक्टोरल विक्ट्री है 2014 की और अभी रिसेंट 2019 के इलेक्शन की, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे पास और एक स्टेबल टाइज है सारे, ऑलमोस्ट सारे जो वर्ल्ड के मेजर पावर्स हैं उनके साथ एक अच्छा हमारा रिलेशनशिप बना हुआ है। तो इन दोनों को चलते हुए इंडिया के लिए एक अच्छी एक हाई स्टेटस तो बना हुआ है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान भी ऐसा समझता है कि उसके पास बहुत हाई स्टेटस है अभी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ में, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में। वो कैसे, वो ऐसे कि पिछले कुछ डिकेड में पाकिस्तान का इम्पोर्टेंस बढ़ा है यूएस के लिए एज वेल एज चाइना के लिए तो बहुत ही वेल नोन है। चाइना बहुत सपोर्ट करता है पाकिस्तान को इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। अगर परसेप्शन देखें तो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, OBOR जो कंसेप्ट है पाकिस्तान का उसमें भी, चाइना का उसमें भी पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट और मिलिट्री इंटरेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंटरेस्ट और मिलिट्री इंटरेस्ट से एक तरह से कॉन्साइड करते हैं, इसलिए चाइना फुल्ली सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। इसके अलावा अगर हम देखें तो US भी हिस्टोरिकली सपोर्ट करता हुआ आया है पाकिस्तान को, 1950 से ही इसके मिलिट्री अलायंस है पाकिस्तान के साथ, और रिसेंटली भी बहुत ज़्यादा इससे चेंज देखने को नहीं मिला है। और बीइंग अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, इससे वेस्ट एशिया और साउथ एशिया को एक तरह से कनेक्शन माना जाता है। US पाकिस्तान को एक ब्रिज के रूप में देखता है कि अगर पाकिस्तान का यूज़ करके US इंडिया और फर्दर इंडो पैसिफिक रीजन में एक अच्छी पैड बना सकता है, और इसके साथ ही साथ वेस्ट एशिया में इवन ईरान को कंटेन कर सकता है US। तो US के लिए भी पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, और US पॉलिसी मेकर हमेशा ऐसा चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ एक अच्छा एलाइज बना के रखा जाए। और अगर चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है तो उस केस में भी पाकिस्तान की ज़रूरत है US को। और अगर हम आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो एक नई जो प्रोसेस अफगान पीस प्रोसेस चल रही है अफगान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, US के लिए पाकिस्तान और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों कंट्रीज़ की ये जो परसेप्शन है, दोनों का स्टेटस थोड़ा हाई लेवल पर पहुंचा हुआ है, वो दोनों ऑलमोस्ट सही हैं। पाकिस्तान आर्मी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान आर्मी अपने आप को, पाकिस्तान आर्मी एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मानती है, क्योंकि चाहे हम USA की बात करें, चाइना की बात करें या इवन रसिया की बात करें, ये इन सबों ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के एक स्ट्रॉन्ग रोल को माना है, और इसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी भी समझती है कि ये तीनों कंट्री कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए ही दिखेंगे। अब यहाँ पर जो रोल्स हैं और इंटरेस्ट हैं थर्ड पार्टी के, थर्ड पार्टी कौन सी हो गई इस रीजन में, थर्ड पार्टी हो गई USA, मॉस्को यानी कि रसिया और चाइना। तो इनके जो रोल्स हैं, क्या क्या रोल होने वाले हैं और क्या क्या इंटरेस्ट है उनके, उसके अकॉर्डिंगली ही वो ये सारी थर्ड पार्टीज काम करेंगी। और इस इंटरनेशनल एनवायरमेंट में किसी पॉलिसीज को अगर सक्सेस बनाना है तो इंडिया को भी इस रियलिटी को समझ के इस रियलिटी के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। अब यहाँ पे पाकिस्तान के बेनिफैक्टर्स क्या है, पाकिस्तान में US और चाइना के ओवरलैपिंग इंटरेस्ट भी हैं, कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं जो दोनों US और चाइना दोनों चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहे और मेजर सबकॉन्टिनेंटल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, यानी कि कोई भी नहीं चाहता कि इंडिया पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़े। ये US और चाइना दोनों के द्वारा ये चाहा जाता है कि एक तरह से पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे इस रीजन में, लेकिन इसके साथ ही साथ इनके कुछ अलग अलग रीज़न भी हैं पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बनाने में। अब ये क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, अब यहाँ पर US और चाइना की बात करें तो ये एक तरह से स्ट्रांग मिलिट्री भी चाहते हैं, और इसके साथ साथ एक कम्पिटेंट सिविलियन गवर्नमेंट भी चाहते हैं, और एक पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री बने जो एक तरह से वर्ल्ड वाइड व्यू को लेकर चले और साउथ एशिया के बाहर भी US और चाइना की हेल्प की जा सके। पाकिस्तान को इतना काबिल होना चाहिए पाकिस्तान, ये दोनों कंट्री चाहती हैं। तो इस सिनेरियो में US का इंटरेस्ट ऐसा है कि वेस्ट एशिया में US के जो इंटरेस्ट हैं, वेस्ट एशियन रीजन में जो USA के द्वारा ऑपरेशन किए जाते हैं उसमें पाकिस्तान USA को सपोर्ट करे, और ईरान को कंटेन करने में भी पाकिस्तान की तरफ से USA को सपोर्ट मिलना चाहिए, एज अ US का इंटरेस्ट है। और चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सपोर्ट करे, और जो भी फ्यूचर के इंडस्ट्रियल और एनर्जी कॉरिडोर्स जो चाइना पाकिस्तान के थ्रू बनाना चाहता है वो उसमें भी पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करे। तो दोनों
पावर्स के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि दोनों पावर यूएसए और चाइना इस रीजन में शांति ही स्थापित करना चाहते हैं, कि स्ट्रॉन्ग स्टेबल और सिक्योर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जो पूरे एक सिनेरियो को स्टेबल बनाए, पूरे रीजन को स्टेबल बनाए। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी मेजर पावर साउथ एशिया में इंडिया के लिए अपने जो रिलेशन है वो बिगाड़ना नहीं चाहता। तो यहाँ पर ये इंडिया को भी समझना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बढ़ रही है यूएसए की या चाइना की, वो हमेशा इंडिया के लिए, इंडिया के अगेंस्ट में नहीं है। उन पावर्स का अपना इंटरेस्ट है, अपने जो बेनिफिट है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल उनके लिए भी है। इसमें इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कोई चीज़ नहीं है। इसमें दूसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो पावर्स हैं ये डोमेस्टिक लेवल पे पाकिस्तान को कोई चेंज नहीं चाहते, या पाकिस्तान की आर्मी और सिविलियन गवर्नमेंट में कोई बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करना नहीं चाहते। अभी जो चल रहा है वो दोनों पावर के दोनों पावर, मेजर पावर यूएस और चाइना, उसको ठीक मानते हैं। बट इंडिया जो चाहता है वो पाकिस्तान में डोमेस्टिक जो सिनेरियो है उसको चेंज करना इंडिया चाहता है, और जो रिलेशनशिप है सिविल और मिलिट्री का पाकिस्तान में, उसमें मिलिट्री के पास बहुत ज़्यादा पावर है, उसको इंडिया कम करना चाहता है। इंडिया वांट की सिविलियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में ज़्यादा स्ट्रांग रहे, जिससे कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आपस में जो बातें करे उनका वजन हो दोनों कंट्रीज़ में। इंडिया में तो रहता है बट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंफ्लेशन नहीं होता। तो इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाए, और जो ये पावर्स हैं यूएसए और चाइना उनके परसेप्शन को चेंज किया जाए पाकिस्तान की डोमेस्टिक सिनेरियो को चेंज करने में, और ये जो पावर इम्बैलेंस है अभी उसको करेक्ट करने में। यहाँ पर इंडिया ने अपना राइट और कैपेसिटी दिखाई है कि एक्टिव डिफेंस इंडिया अपना कर सकता है, और किस तरह से स्ट्राइक की गई है टेररिस्ट टारगेट्स में पिछले पास्ट में इंडिया के द्वारा, उसके द्वारा भी इंडिया ने बता दिया कि इंडिया कैन प्ले अ मेजर रोल इन दिस रीजन। और हालांकि इंडिया के द्वारा जितना अहम रोल साउथ एशियन रीजन में प्ले करना था उतना कंस्ट्रक्टिव रोल इंडिया के द्वारा नहीं दिखाया गया, बट स्टिल इट इज़ इम्पोर्टेंट कि इंडिया अपने पॉलिसीज के थ्रू और अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स के थ्रू ये दिखाए, और मेजर पावर्स को यूएसए और चाइना को कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करे इस रीजन के, साउथ एशियन रीजन के डेवलपमेंट के लिए। तो इंडिया पाकिस्तान और उस पर यूएसए और चाइना का क्या इंटरेस्ट और किस तरह से इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है आरटीआई के बारे में। इस आर्टिकल में अमेंडमेंट की बात की गई है, जो रिसेंटली आरटीआई में अमेंडमेंट प्रपोज किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, और ये अमेंडमेंट, इसका जो जस्टिफिकेशन दिया गया, यह बिल्कुल बहुत ही सैलो जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बारे में बात की गई है, अमेंडमेंट पास्ड बाय लोकसभा टू आरटीआई एक्ट, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं थे, बिल्कुल अननेसेसरी हैं, और नेचुरली एक तरह से गलत धारणा के साथ लिए जा रहे हैं, ऐसा राइटर का मानना है। ये फ्री स्पीच एक्सप्रेशन और फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी जो है इनकम इंफॉर्मेशन कमीशन, जो स्टेट और सेंटर पे हैं दोनों के ऑटोनॉमी पे स्ट्राइक है, और उनके फ्रीडम और ऑटोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये अमेंडमेंट। यहाँ पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो कि कॉरस्पॉन्डिंग अथॉरिटी इसके साथ साथ जो स्टेट में है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, तो यहाँ पर बात की जा रही है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की भी और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की भी, और इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे हैं, ये सारे के सारे स्टैट्यूटरी फंक्शनरी हैं जिनके जो डिसीज़न है ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो गवर्नमेंट के, उनके अगेंस्ट भी इनके द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट बॉडीज़ के जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैं जो काम नहीं करते या इन्फॉर्मेशन जल्दी नहीं देते लोगों को, तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और सारे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के द्वारा। तो ये बात ये आरटीआई एक्ट में प्रोवाइड की गई थी। इसके अलावा जो ओरिजिनल एक्ट है ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर देता है, फिक्स्ड टर्म देता है, 65 साल या 5 साल का एक टाइम पीरियड देता है, या 65 साल रिटायरमेंट एज। बट अब अगर अमेंडमेंट नया वाला लाया जा रहा है जो गवर्नमेंट के द्वारा, इसके थ्रू ये सारी पावर गवर्नमेंट के हाथ में दी जा रही है। ये जो मैंडेट है टू इंटरवीन इन फेवर ऑफ इन्फॉर्मेशन सीकर, ये मैंडेट रखा गया था आरटीआई एक्ट में इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के लिए। तो उनका जो मेन काम था इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का, ये इन्फॉर्मेशन सीकर, ये नॉर्मल जो जनता है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती थी, एक पावरफुल गवर्नमेंट के जो कार्य किए जाते थे उनकी इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जाती थी। तो एक तरह से ये इन्फॉर्मेशन सीकर के फेवर में काम करता था और पावरफुल रेजिम्स और ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट काम करता था आरटीआई एक्ट।
इसी कारण से गवर्नमेंट अब इसको चेंज करना चाहती है और ये सारी पावर अपने हाथ में लाना चाहती है और कहीं ना कहीं इस एक्ट को अंडरमाइन करना चाहती है। अब सैलरी और टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस की बात करें, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन यानी CIC के थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इक्वल थे, यानी कि और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो टर्म्स है वो सुप्रीम कोर्ट जज के इक्विलेंट है, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट जज के इक्विलेंट माना गया था। इसी की तरह सिमिलरली अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो सेंटर में हैं उनको इलेक्शन कमीशन के लेवल का माना गया था, स्टेट लेवल में जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनको भी इलेक्शन कमिश्नर के लेवल का माना गया था और बाकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर को स्टेट में चीफ सेक्रेटरी के लेवल का माना गया था। तो इतना हाई पोस्ट जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर को सेंटर और स्टेट में दिए गए थे ये इनकी ऑटोनॉमी मेंटेन करने के लिए दिए गए थे और इनके द्वारा कार्य किए जो जा रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट है ये एक डेमोक्रेसी में और एक डेमोक्रेसी के क्रेडेंशियल्स को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने के लिए, इसी कारण से RTI एक्ट में इतने हाई स्टेटस दिया गया था इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को। बट अब नए अमेंडमेंट के थ्रू इनकी सारी पावर गवर्नमेंट अपने सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में लेना चाहती है, तो ये कहीं ना कहीं पूरे के पूरे एक्ट को वीक करने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर गवर्नमेंट का एक जो आर्गूमेंट है बहुत ही सैलो आर्गूमेंट है जो ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से गवर्नमेंट ने आर्गूमेंट दिया है। गवर्नमेंट का ये आर्गूमेंट है कि जो भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमीशन है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के जो वर्डिक्स हैं जो फैसले हैं उनको हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, उनके अगेंस्ट जाया जा सकता है। बट यहाँ पर एक चीज़ गवर्नमेंट ने छुपा ली है या बताई नहीं है या इग्नोर कर दिया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं जो कि चीफ जो वर्डिक्ट देते हैं जिनको गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह रही है इनके फैसले को भी हाई कोर्ट में इनके फैसले के अगेंस्ट भी जाया जा सकता है। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने इस फैक्ट को इग्नोर कर दिया है और इंटेंशनली इस एक्ट को वीक बनाने की कोशिश की जा रही है। ये दिखता है कि किस तरह से फैलेसियस आर्गूमेंट और सैलो आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की साइड से। तो यहाँ पर जो वेस्टेड इंटरेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का या गवर्नमेंट का, इस वेस्टेड इंटरेस्ट को जो तोड़ने की पावर RTI एक्ट में दी गई थी उस पावर को कम करके गवर्नमेंट अपने हाथ में लेना चाहती है। इसलिए RTI एक्ट के लिए अगर हम देखें तो ये इस अमेंडमेंट एक्ट को वापस लेना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, और अगर वापस नहीं लेती है तो कम से कम इसको पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी के पास डीपर स्क्रूटनी के लिए भेजा ही जाना चाहिए। बिकॉज जो पहले का RTI एक्ट था वो एक कंसेंसस बेस्ड RTI एक्ट था, वो लोगों के बातचीत डिबेट और डिस्कशन के बाद आया था, पब्लिक कंसल्टेशन के बाद आया था। लेकिन अभी का जो अमेंडमेंट आया है बिना किसी से कंसल्ट किया आया और बिना डिबेट के इसको पास कराने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इसको इमीडिएटली ड्रॉप करना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में तो भेजा ही जाना चाहिए ताकि इसकी प्रोविज़न प्रोविज़न और क्लॉज बाय क्लॉज स्क्रूटनी की जा सके, ऐसा राइटर का मानना है। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें अभी रिसेंटली कर्नाटका में जो पॉलिटिकल ड्रामा और पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था उसका एंड हो गया और एक कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हुआ कर्नाटका असेंबली में, वहाँ पर गवर्नमेंट लेड बाई HD कुमारस्वामी ने ट्रस्ट वोट लूज कर दिया है और इसके साथ ही गवर्नमेंट जो थी वो गिर चुकी है। अब यहाँ पर राइटर के द्वारा ऐसा माना जा रहा है कि जो भी लेजिस्लेटर थे जिन्होंने रिज़ाइन किया है उन्होंने कहीं ना कहीं जो लोगों का मैंडेट है, लोगों के द्वारा जो चुने गए नेता है वो जो मैंडेट दिया गया है उनका अपमान किया है लेजिस्लेटर्स ने, उन मंत्रियों ने जिन्होंने रिज़ाइन किया है, और उनके द्वारा जो जस्टिफिकेशन दिया गया अपने रेजिग्नेशन का वो भी बहुत ही सैलो है। तो ये लोगों के द्वारा चुने गए नेताओं को के द्वारा अगर बिना प्रॉपर जस्टिफिकेशन के द्वारा रिज़ाइन किया जाता है और जबरदस्ती स्टेट पे इलेक्शन थोपा जाता है तो ये लेजिस्लेटर्स के द्वारा लोगों के मैंडेट का डिसरिस्पेक्ट है, अपमान है, और ये एक्सक्यूजेस बहुत ही सैलो और डिसऑनेस्ट लगते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी आगे की कंडीशन क्या होनी चाहिए, अब ये जो स्टेटस ऑफ देयर जो भी रेजिग्नेशन का स्टेटस है और क्वेश्चन है उनके डिस्क्वालिफिकेशन का, ये अब स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है किस तरह से उनको इंटरप्रेट किया जाएगा और किस तरह से उनमें आगे कार्रवाई की जाएगी। बट क्वेश्चन ये सामने आता है कि अब ये जो सारे कदम उठाए गए, सारी एक्टिविटीज़ हुई कर्नाटका में, ये कहीं ना कहीं पहली बार, बाकी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ फर्स्ट टाइम हुई है, इनका कोई प्रेसिडेंट नहीं था और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पूरा माहौल बन गया है। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, इसके लिए कुछ कानून लाने की ज़रूरत है और उसके बाद ही अगली गवर्नमेंट बनाई जानी चाहिए। और इसमें आगे राइटर का ऐसा मानना है कि जो अपोजिशन पार्टी है उसको गवर्नमेंट बनाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए,
उन्हें वेट करना चाहिए कि फ्रेश इलेक्शन कराए जाएं, जितने भी लेजिस्लेटर्स ने सीट खाली की है उन सारे सीटों पे फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, उसके बाद जो भी कैंडिडेट चुन के आएंगे उनको लेके गवर्नमेंट बनाई जानी चाहिए ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी स्टेट्स की इंश्योर की जा सके, एक गुड गवर्नेंस रिस्टोर किया जा सके कर्नाटका स्टेट में। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर चेन्नई के वाटर क्राइसिस के बारे में बताया गया है कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। चेन्नई के द्वारा काफ़ी सारे सोल्यूशन पिछले पास में अडॉप्ट किए गए बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुए। यहाँ पर कुछ सोल्यूशन जो इंपॉर्टेंट हैं वो हैं सोर्स ऑगमेंटेशन, डीपनिंग ऑफ वाटर बॉडीज एंड गिविंग वाटर हार्वेस्टिंग और रिमार्केबल एम्फेसिस, मतलब कि वाटर हार्वेस्टिंग, डीपनिंग ऑफ वाटर बॉडीज एंड सोर्स ऑगमेंटेशन, ये कुछ ही सॉल्यूशंस हैं जो चेन्नई को एक बड़े लेवल पे अपनाना चाहिए जिससे कि डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रॉपरली किया जा सके। अगर हम सोर्स मैनेजमेंट, सोर्स ऑगमेंटेशन की बात करें, पिछले 40 सालों में करीब 2-3 बड़े मेजर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए चेन्नई के द्वारा ताकि फ्रेश वाटर को टैप किया जा सके। यहाँ पर जो कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए, ये मेजरली दो रिवर से पानी आता है चेन्नई में, कृष्णा और कावेरी से, और दोनों साउथ वेस्ट मानसून पे ही डिपेंड करती हैं ये दोनों रिवर। अब यहाँ पर अगर हम कृष्णा रिवर की बात करें तो तमिलनाडु स्टेट्स को कृष्णा रिवर जो कि आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है उससे पिछले 20 सालों में जितना डिमांड किया गया था उस तरह से पानी आया नहीं है। और कावेरी रिवर की बात करें तो अपर रिपेरियन स्टेट कावेरी में कौन सा है, कर्नाटका, तो कर्नाटका से हमेशा लड़ाई चलती रहती है तमिलनाडु की पानी के लिए। तो पानी के लिए एक तरह से जो स्टेट के टाइज हैं तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु कर्नाटका के, उन टाइज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि तमिलनाडु को कितना पानी मिलेगा। और ये हमेशा तमिलनाडु स्टेट के लिए अनप्रेडिक्टेबल रहता है कि कितना पानी दोनों स्टेट के द्वारा इसमें दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक फेडरल इशू बन गया है जिसकी वजह से सोर्स ऑगमेंटेशन जो किया जा रहा है पिछले कुछ सालों में किया गया है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे मेथड्स की, एक स्टोन क्वेरिंग से भी एक पब्लिक एक मेथड अडॉप्ट किया गया था जिससे पब्लिक को पानी दिया जाता था, पब्लिक वाटर सप्लाई इंश्योर की जाती थी, बट वो बंद कर दिया गया। और इसके अलावा डीसेलिनाइजेशन प्लांट्स लगाए गए, बट ये प्लांट्स का प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही कम हैं और इनका जो कॉस्ट बहुत ह्यूज है, एनवायरमेंटल कंसर्न की वजह से भी ये बड़े लेवल पर बड़े पैमाने पर अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। तीसरा मेथड है कि डीपनिंग ऑफ टैंक्स एंड लेक्स, ये एक पॉपुलर ऑप्शन हो सकता है बट ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कहने में इजी है बट डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें भी डीपनिंग ऑफ टैंक्स और लेक्स के लिए भी एक ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है। और इवन जो डीपनिंग करने के दौरान जो सिल्ट निकलती है उनको रिमूव करना और उनको ट्रांसपोर्ट करना और एक उन पूरे सिल्ट को डिस्पोज करने का जो मैनेजमेंट और अरेंजमेंट है इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो इसको भी एक लेवल से ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन बचता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बट रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर जगह पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, इसको रामवाड़ नहीं माना जा सकता बिकॉज ये साइट स्पेसिफिक होता है और सारे स्ट्रक्चर पर इसको अडॉप्ट कर किया जाना बहुत ज़्यादा फीजिबल नहीं है। यहाँ पर अगर हम अर्बन बॉडीज़ की बात करें, चेन्नई की बात करें या बाकी मेट्रोपॉलिटन रीजन्स की बात करें, जितना भी डिमांड रहता है उससे कम ही सप्लाई होता है और आगे आने वाले फ्यूचर में ये वाटर सप्लाई और ज़्यादा कम होता हुआ दिख रहा है बिकॉज वाटर रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा, डिमांड साइड भी डिमांड और ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है बिकॉज अर्बनाइजेशन और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो दोनों साइड से ये जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच है वो सारे सिटीज़ के लिए कंट्री में बढ़ने ही वाला है। यहाँ पर एक ऑप्शन ऑथर मानते हैं कि वेस्ट वाटर को रिसाइकिलिंग करना एक अच्छा ऑल्टरनेटिव, अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कंसेप्ट ऑफ वेस्ट वाटर रिसाइकिलिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर अभी तक अथॉरिटीज़ के बारे में, सिटीज़ के द्वारा और लोगों के द्वारा बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया एक बड़े लेवल पर। डिमांड सप्लाई गैप जो कि परमानेंट फीचर रहने वाली है अर्बन इंडिया में, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है और रिसाइकिलिंग और रीयूज ऑफ वाटर से ही हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर वेस्ट वाटर को अगर रीयूज करना है, उसको रिसाइकिल करना है, तो इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की ज़रूरत है। अभी एज ऑफ नाउ करीब 37% सीवेज जो जनरेट हो रहा है उसी को ट्रीट किया जा रहा है और जो बाकी सीवेज है सिटीज़ में उसको नदियों में बहा दिया जा रहा है जैसे कि फ्रेश वाटर कंटामिनेशन की भी प्रॉब्लम हो रही है। अब रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से क्या है कि सिटीज़ में जगह ही नहीं बची है और जगह ही नहीं बची है तो नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए जगह ही नहीं है सिटी और इवन उनके पेरिफेरल एरिया में। और यही चेन्नई की कंडीशन है, यही बाकी सिटीज़ की कंडीशन है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम आ रहा है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे लगाया जाए और किन लोकेशन पे लगाया जाए सिटीज़ में। इसके अलावा जो अगर हम 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट की बात करें तो हमने टारगेट रखा है कि जो भी
अनट्रीटेड वेस्ट वाटर होता है उसको करीब आधा करना है, लेकिन आधा करने के लिए अभी के रिस्पेक्ट में हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए लोकेशंस और उतना फंड ही अवेलेबल नहीं है सिटीज़ के पास। अब यहाँ पर नॉन कंजम्पटिव यूज़ की अगर बात करें हम, तो वेस्ट वाटर जो जनरेट हो रहा है, जहाँ पर जनरेट हो रहा है वहीं पर हमें पॉइंट ऑफ जनरेशन में ही उसको कन्वर्ट करना चाहिए। इसका क्या एग्जांपल है, जैसे इंडस्ट्रीज़ के द्वारा किया जाता है, कंपनीज़ क्या करती है अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ही लगाती है, और जो भी वेस्ट वाटर इससे जनरेट किया जाता है उनको नॉन कंजम्पटिव है ना, यानी कि पीने के पानी के अलावा बाकी कामों में यूज़ किया जाता है। जो भी वेस्ट वाटर निकलता है वो पीने लायक नहीं होता है तो उनको गार्डनिंग में यूज़ किया जा सकता है, फ्लशिंग ऑफ टॉयलेट में यूज़ किया जा सकता है। इससे क्या है कि इस वेस्ट वाटर का कंस्ट्रक्टिव यूज़ करने से कम फ्रेश वाटर जो इन एक्टिविटीज़ में लग रहा है वो बचेगा और वो पीने के लिए ज़्यादा उपलब्ध होगा। तो इससे हाई एंड, ये जो इंडस्ट्रीज़ में एक अच्छे लेवल पर चल रहा है, इसको हाई एंड रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में भी अडॉप्ट किया जाना चाहिए। तब जाके हम थोड़ा सा मतलब वेस्ट वाटर यूज़ करना बढ़ाएंगे और फ्रेश वाटर का जो वेस्टेज होता है, जो गार्डनिंग और वगैरह गार्डनिंग और बाकी एक्टिविटीज़ में पीने के पानी का ज़्यादा यूज हो जाता है, उसको बचा सकते हैं। अब यहाँ पर वेस्ट वाटर को किस तरह से रीयूज़ किया जाए और रिसाइकिल किया जाए, ये एक ऑल्टरनेट समझ में आता है चेन्नई के लिए और बाकी सिटीज़ के लिए, और अथॉरिटीज़ को ये चाहिए कि इस डायरेक्शन में और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए और इंडस्ट्रीज़ के अलावा सिटीज़ अपार्टमेंट्स और कॉलोनीज़ में इस सॉल्यूशन को अडॉप्ट किया जाए। तो यहाँ पर वाटर क्राइसिस जैसी कंडीशन को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो ये थे आज के आर्टिकल्स, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।